आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और दिन मंगलवार है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:22 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी या मुक्ताभरण सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखने का विशेष महत्व है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए ये व्रत रखती हैं। संतान सप्तमी व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान है। आज सुबह स्नान से निवृत्त होकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही खीर पूरी तथा गुड़ के पुए बनाकर भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए और संतान की रक्षा की कामना करते हुए शिव जी को कलावा चढ़ाकर बाद में इसे स्वयं धारण करना चाहिए। मान्यता है आज व्रत रखने से महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिक और गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अपराजिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता का अर्थ है जिसको पराजय न प्राप्त हो, अर्थात जिसे पराजित न किया जा सके। अपराजिता सप्तमी के दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने से आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी संतान सप्तमी और अपराजिता सप्तमी की चर्चा, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:49 तक इंद्र योग रहेगा। यदि कोई राज्य पक्ष का कार्य रुका हो तो उसे इस योग में पूरा करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य पूर्ण होगा। ऐसे कार्य प्रातः, दोपहर अथवा सायंकाल ही करें, रात को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही आज दोपहर 1:59 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। विशाखा को 16वां नक्षत्र माना जाता है। विशाखा का अर्थ है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में विवाह आदि मांगलिक कार्य, कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ समझा जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। विशाखा नक्षत्र का पेड़ विकंकत है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कंटीला झाड़ीदार वृक्ष है, जिसे पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान विकंकत पेड़ की उपासना करने से हर तरह से लाभ मिलता है। तो ये थी चर्चा इंद्रयोग और विशाखा नक्षत्र की, और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 11:33 से शुरू होकर रात 12:15 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब भद्रा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में हो, उस दिन स्वर्ग लोक की भद्रा होती है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, लिहाजा आज स्वर्ग लोक की भद्रा है। इस दौरान भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई भी प्रभाव नहीं रहने वाला है, बल्कि स्वर्ग लोक की भद्रा शुभ फल ही देती है। अतः इस समय शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी चर्चा भद्रा के बारे में, और अब विशाखा नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपायों की बात। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग यह उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आपको घर मकान बनवाने, उसमें सुधार करवाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। विधिपूर्वक पुष्प और धूप दीप आदि से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से अपना घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने में आ रही परेशानी से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। यदि आप शीघ्र अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो विशाखा नक्षत्र में पीले सुगंधित फूलों से बनी दो माला श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चढ़ाएं। यदि संभव हो तो मिट्टी से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति घर के मंदिर में स्थापित करें। ऐसा करने से आपके घर में
धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज आंखें बंद करके विकंकत के पेड़ का ध्यान करते हुए उसे प्रणाम करें। साथ ही विकंकत के पेड़ का 5 बार नाम लेते हुए ध्यान में ही उसकी जड़ में पानी डालें और फिर अपने जीवन में समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना करें। आज ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपकी दुकान पर आशानुसार बिक्री नहीं हो रही है, आपको लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो विशाखा नक्षत्र में श्री नारायण के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आपके व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ तरक्की के नए मार्ग भी खुलने लगेंगे। अपने हर काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आज स्नान करके भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करें और इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। यदि आपके परिवार के लोगों के बीच अच्छा तालमेल नहीं है तो विशाखा नक्षत्र में थोड़े से पीले चावल, 2 साबुत हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर टांग दें। परिवार में सबके बीच तालमेल बना रहेगा। अगर आप अपने किसी शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लें, एक कटोरी में पानी में थोड़ी सी हल्दी घोल लें। अब उस पीले कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दें। आपको जल्दी ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं और आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो विशाखा नक्षत्र में अपने गुरु या अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। फिर एक केले के पत्ते पर 2 हल्दी के साबुत गांठ, 1 मुट्ठी भर चने की दाल और खोए से बनी कोई मिठाई रखकर पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। शीघ्र ही पढ़ाई में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। आपकी कोई इच्छा चाहकर भी पूरी नहीं हो पा रही है तो आज आटे की लोई में थोड़ी सी चने की दाल और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर रोटी बना लें और उस रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दें। आपके मन की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। यदि आपकी कन्या की शादी में किसी कारणवश विलंब हो रहा है या आपके प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं तो विशाखा नक्षत्र के दौरान नारायण मंदिर में जाकर भगवान को गंगा जल मिश्रित जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से विवाह संबंधित सभी परेशानियों का हल जल्द ही निकलेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है तो आज दूध और चावल की खीर केसर डालकर बनाएं। आप श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है माधवाय नमः। आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे वैचारिक मतभेद जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज इस मंत्र का 21 बार जाप करने से निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी चर्चा संतान सप्तमी, अपराजिता सप्तमी और विशाखा नक्षत्र के बारे में। आपको याद दिला दूं कि मौजूदा ग्रह स्थिति में सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है आप इस वैदिक ज्ञान का फायदा जरूर उठाएंगे। आपको याद दिला दूं, कल से 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी जी के व्रत शुरू हो रहे हैं। जो व्यक्ति 16 दिनों का ये महालक्ष्मी व्रत रखता है उसे 7 जन्मों तक अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं रहती। कल हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।